शहर के उषानगर क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। नकाबपोश 6 बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के लिए छोटे बच्चों को बदमाशों ने अपने कब्जे में लेकर बाकी सदस्यों को बाथरूम में बंद कर दिया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उषानगर में 4 बजे यह वारदात हुई है। बताया जाता है कि करीब 6 बदमाश कपड़ा व्यापारी राहुल चोपड़ा के घर में घुसे। बदमाशों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। बदमाशों ने इस दौरान व्यापारी की पत्नी रोहिणी, माँ और एक अन्य सदस्य के साथ नौकरानी को हथियारों के दम पर बंधक बना लिया। परिवार को भयभीत करने के लिए बदमाशों ने 3 साल के बच्चे को भी अपने काबू में ले लिया था। जानकारी के अनुसार मास्क लगाए बदमाश पिस्टल, कट्टा और चाकू लिए हुए थे। प्रारंभिक सूचना के अनुसार अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में हुई घटना के बदमाश अपने साथ सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। ने हमारे घर के अंदर घुस गए। मेरी बहू का फोन आया कि इस तरीके से गन लेके 6 गुंडे 6 बदमाश आए हैं। उन्होंने आते ही गन लगा दी मेरे पोते के सर पे और उनसे पूछा माल का माल बता दो नहीं तो हम इसको जान से मार देंगे, सबको मार देंगे। आते ही उन्होंने सबके हाथ पांव बांध दिए, मुंह पे टेप लगा दी, सब कुछ करके उनको बाथरूम में बंद कर दिया और जो माल था वो लेके चले। सर क्या क्या लेकर चले गए? 40 से 50 हज़ार रुपये नकद है, 15 तोला गोल्ड है, बाकी अभी पुलिस को हमने वो लेना है प्रिंट, इसलिए हमने चेक नहीं किया। और भी ज़्यादा कोई नुकसान हुआ होगा वो चेक करने में मालूम पड़ेगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश चोपड़ा। आप क्या करते हैं सर? कपड़े का काम है, कपड़ा मार्केट। फ्लैट में वारदात हुई है, लगभग 5-6 बदमाश आए और घर में जो सास बहू थी तथा काम वाली एक बहन थी उनको कमरे में बंद करके लगभग 40,000 रुपये और 10-12 तोले लेकर भाग गए। तत्कालीन मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और CSP एडिशनल SP और 4 थानों की टीम को लगाया गया। सभी अभी जैसे कि बताया कि 4:15 बजे की घटना है, सभी को काम पर लगाया गया। उम्मीद है जल्दी सफलता मिलेगी। बदमाशों के पास कुछ था कि उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ कट्टा और एक चाकू था जी। और सर ये भी ऐसा भी बोल रहे हैं कि लोकल लोग हो सकते हैं, जिस तरह के लैंग्वेज अभी इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम कर रहे हैं जी सर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।